लाहौर पर मर मिटने वाली शहजादी। सन 1843 से सन 1849 तक सल्तनत पंजाब के हुक्मरान महाराजा दलीप सिंह के घर 29 सितंबर 1869 को लंदन में बेटी पैदा हुई। नौमौलूद बेटी का नाम बंबा सूफिया जंदा दलीप सिंह रखा गया। बंबा इनकी वालिदा सूफिया नानी और जंद दादी का नाम था। पंजाब के सबसे मारूफ महाराजा रंजीत सिंह शहजादी बंबा के दादा थे। शहजादी बंबा ने लंदन में ही इब्तदाई तालीम हासिल करने के बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, जिसके बाद अमरीकी शहर शिकागो के एक मेडिकल कॉलेज में चली गईं। 20वीं सदी के आगाज में शहजादी बंबा ने अपने आबाओ अजदाद की सरजमीन हिंदुस्तान के दौरे करना शुरू कर दिए। वो हमेशा लाहौर या शिमला में रहती थी। शहजादी बंबा को लाहौर इस कदर पसंद आया कि उन्होंने इंग्लिस्तान को छोड़कर तन्हा ही लाहौर को अपना मुस्तकिल मस्कन बना लिया। उन्होंने मॉडल टाउन के ए ब्लॉक में मकान नंबर 104 खरीद कर इसमें रिहाइश इख्तियार कर ली। शहजादी बंबा ने इस घर का नाम गुलजार रखा और इसमें अपने हाथ से कई अकसाम के गुलाब के पौधे लगाकर इनकी देखभाल शुरू कर दी। सन 1915 में शहजादी बंबा ने किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज लाहौर के प्रिंसिपल डॉक्टर डेविड वाटर्स सदरलैंड के साथ शादी कर ली और इनका नाम शहजादी बंबा सदरलैंड हो गया। शहजादी बंबा की दादी का इंतकाल 1863 में हो गया था, लेकिन शहजादी बंबा ने सन 1924 में इनकी बाकियात लाहौर मंगवाकर अपने दादा महाराजा रंजीत सिंह की समाधि में दफन करवाई। सन 1939 में डॉक्टर डेविड सदरलैंड के इंतकाल के बाद शहजादी बंबा लाहौर में अकेली रह गई, लेकिन उन्होंने लाहौर से बेपनाह मोहब्बत के बायस मॉडल टाउन में ही रहने का फैसला किया। इस दौरान शहजादी बंबा का शायर मशरिक अलामा मोहम्मद इकबाल के साथ भी मिलना जुलना रहा। अलामा इकबाल शहजादी बंबा की इंतहाई इज्जत करते थे। 10 मार्च सन 1957 को शहजादी बंबा का 88 साल की उम्र में इसी घर में इंतकाल हुआ। पाकिस्तान में बरतानिया के डिप्टी हाई कमिश्नर ने इनकी आखिरी रसूमात का इंतजाम किया। शहजादी बंबा को शेरपाव पुल के करीब जे रोड के गोरा कब्रिस्तान में दफन किया गया। इनकी वसीयत के मुताबिक इनकी कब्र के कुतबे पर फारसी के दो अशआर लिखे गए, जिनका तर्जुमा कुछ यूं है। हाकिम और महकूम में तफरीक बाकी नहीं रहती, जिस लम्हे तकदीर का लिखा आन मिलता है। अगर कोई कब्र को खोद कर देखे तो अमीर और गरीब को अलग अलग नहीं कर सकता। शहजादी बंबा को आर्ट से गहरा लगाव था और जब इनका इंतकाल हुआ इनके पास बेशकीमत पेंटिंग्स का पूरा खजाना मौजूद था, जो इनके सेक्रेटरी पीर करीम बख्श सप्रा के सुपुर्द किया गया। इस खजाने में वाटर कलर, हाथी के दांतों पर पेंटिंग्स, मुजस्मे और आर्ट के दीगर शाहकार नमूने शामिल थे। हुकूमत पाकिस्तान ने शहजादी बंबा के आर्ट के इस खजाने को कौमी असासा करार देकर खरीद लिया और इसे लाहौर के शाही किले में महफूज कर लिया। सन 2018 में इस कलेक्शन को आम शहरियों के लिए खोल दिया गया। इसे देखकर पंजाब में सिखों की हुक्मरानी की शान और शौकत का अंदाजा होता है।